per camminare. आगे देखिए साथी मेरे साथ क्या होता है। मार पिटने वाली है, मार चपेड़ लगी, चपेड़ मम्मी की फेवरेट क्लास के चपेड़। और अभी मम्मी का ऐसे ना मुझे टुकड़े टुकड़े करने हैं, तो मैं इनसे अब एक DIY बना रही हूँ। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये क्या कहते हैं ग्लास अपना तोड़ो और ये हैक करो, ज़रूरी नहीं है। तो मैं सिर्फ सजेस्ट करती हूँ, अगर आपका ग्लास ऐसे तरीके से टूट जाए, ज़रूरी नहीं कि मिट्टी का ग्लास ही हो, आप कोई और सा भी हो सकता है। प्लास्टिक का टूटता नहीं है, कांच का बहुत पार्ट टूट जाता है, तो आप वो ले सकते हैं। और ये है मेरे 3 पीसेस जो मेरे आज के हैं, टूट चुके हैं बहुत ही बुरी तरीके से। मेरे पास एक आइडिया है वो हैकलाइज करने में, हैकलाइज आई गेस ये कहेंगे, इसके लिए आपको चाहिए ग्लास, जितने भी उसके पीसेस हुए हैं बड़े बड़े पीसेस, नॉर्मल साइज मेरे 3 हुए हैं, पहले 2 थे। और अपनी कोई सी भी पुराने सेशन की बुक, हाँ बुक जिसमें कलरफुल थीम है, और तो आपको क्या करना है, और आपको चाहिए ग्लू, ग्लू और सिजर, और हाँ तो आपको क्या करना है, मैं इसको क्या करूँगी, आपको बस ग्लू, ये कोई बुक ज़रूरी नहीं है, आप प्रिंटेड पेपर, चार्ट पेपर ऐसा कुछ भी ले सकते हैं, या फिर वाइट पेपर, सिंपल पेपर, इस पर चार्ट पेपर पे लाओ, फिर अपना खुद का डिज़ाइन कर लो। तो मैंने चूज़ करा कि मेरे ये पुरानी बुक से आप काम नहीं आएंगी, तो मैंने इसको करने के लिए सोचा। तो आप स्टार्ट करते हैं, पहले फर्स्ट आपको इस पर कवरिंग करनी है, 3 पीसेस पे मैं आपको मुझे कवरिंग करनी है। इसको पेंट तो कर दिया है पूरा फूल, अब मैं बस इस पर असेंबल कर रही हूँ, जैसे मैं एक अच्छी सी भी ट्राई कर रही हूँ असेंबली की अच्छी भी होती है। बहुत ही मेहनत के बाद मुझे एक आइडिया सोचा है जो मिल गया कि इसको यू ऐसे रखा जाए, ये बार बार गिरे क्यों जा रहे हैं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ऐसे जैसे ये यू इस पर होल्ड होता है, मुझे बस ये समझ में कभी भी गिर सकता है। आपको एक फाइनल टचेस दिखाते हैं, ये गाइस बहुत प्यारा लग रहा है, गिरने का डर है बस और फिर कुछ नहीं है। यहाँ पे देखें आप,
हमने एक टूटे हुए कप को क्या बना दिया, एक वाव, एक वाव, तो हमने इसके दो सेक्शन बनाए हैं। पहले वाले सेक्शन में है हमारी थ्री आई मीन रिंग्स, एक है फ्लावर वाले, एक है ये चेरी बॉम और एक है ये ब्रिटी से अरे इन आई मीन रिंग। ये मुझे एक्चुअली मेरे स्कूल इवेंट्स नीचे वाले सेक्शन में हमारे पास है रबर इरेजर टेप और टेप क्लियर टेप ऑयल पिस्टल शार्पनर और नॉर्मल शार्पनर पेंसिल शार्पनर दैट्स इट। तो हम इसको वापस रख देंगे, बहुत ही आसान था। और अगर आपके पास ज़्यादा आपका जो ग्लास टूटा है उसके ज़्यादा ये पीसेस होए तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, बस आपका स्टैकिंग का वो होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे टेक केयर एंड स्टे सेफ।